Li sakara baba 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 lihu sikara baba baba liba sakababa li sakaraba. Yes खुदाबन, इस गंदी दुष्ट आत्मा को जो खुदाबन तेरी जीपत हजूरी में, खुदाबन जो तेरी जीपत हजूरी में मेरे परमेश्वर, ये खुदाबन जो तेरी जीवत हजूरी में आस खुदाबंद, ये दुष्ट आत्मा जिस तरीके से ये बोल रही है, खुदाबंद मैं तेरी फायर को रिलीज करता हूं, मैं रिलीज करता हूं इसके जीवन के ऊपर, रिलीज करता हूं। देख ये पढ़ रही थी, शैतान ने, नेगेटिव पावर ने इसके कैरियर को खराब कर दिया। क्या कर दिया इसकी, इसके जीवन के कैरियर को शैतान ने खराब कर दिया। समझनी, इसने अपनी प्लस टू का कंप्लीट तो कर ली, अब ये कंप्यूटर का कोर्स कर रही थी जब ये नेगेटिविटी का प्रभाव इसके साथ शुरू हुआ था। दुष्ट आत्मा ने इसे जकड़ लिया अचानक से। प्रेरित जी, जे सिस्टर का नाम जूही है और जो इनके मदर हैं, और जे सिस्टर की गवाही जे है, जैसे हम सब जानते हैं, हमने पहले भी इनकी टेस्टिमनी दी थी कि जो कि दुष्ट आत्मा नेगेटिविटी के प्रभाव ने इसके माइंड को कंट्रोल कर लिया था, और इन्होंने बताया कि 2019 से लेकर 2022 चार साल तक दुष्ट आत्मा नेगेटिव पावर ने इसके माइंड को कंट्रोल किया, जिसके कारण जे सिस्टर घर से भाग जाती थी, छत से छाल मार जाती थी और बहुत कुछ करती थी, क्योंकि जिसके कारण से अपनी फैमिली के साथ भी इसका बिल्कुल प्रेम नहीं था, बहुत क्लेश करती थी और इनकी फैमिली बहुत ही परेशान थी, इसके मदर। और इन्होंने बताया कि इन्होंने 25 साल अपनी धार्मिकता भी की और फिर भी इस नेगेटिव पावर से इनको छुटकारा नहीं मिला, और जब इन्होंने इनके पास प्रभु की गुड न्यूज़ मिली और जब फर्स्ट टाइम यहोशुआ रंजीत रॉबिन मिनिस्ट्री में आए, तो इन्होंने बताया कि मई महीने में फिर से नेगेटिव पावर ने इसको कंट्रोल कर लिया था, और जैसे इनके पास प्रभु की गुड न्यूज़ मिली और जे संगति में आना इन्होंने शुरू किया, और इन्होंने कुछ पर्सनल मीटिंग को प्रभु के दास के साथ अटेंड किया, और इनको परमेश्वर के प्रेम के बारे में और जो इस मिनिस्ट्री की टीचिंग है, पॉजिटिव प्रेयर, पॉजिटिविटी और विश्वास के बारे में इनको बताया गया, और जैसे ही इस बात के लिए परमेश्वर का इन्होंने धन्यवाद किया, तो परमेश्वर ने जो कि जे चार साल से नेगेटिविटी ने इसको, उस अंधकार ने इसको कंट्रोल किया था, तो उससे परमेश्वर ने इसको पूरी तरह इसको छुटकारा मिल गया। पर जैसे कि हमने इनकी टेस्टिमनी दी थी, परमेश्वर ने इसको अच्छा तो कर दिया था, पर पिछले कुछ दिनों में फिर किसी कारण इस पर नेगेटिविटी ने इसके माइंड को कंट्रोल कर लिया और फिर से वो हालात इसके जीवन में आ गया, और जैसे कि जब अपने घर में बिल्कुल नहीं रहती थी, घर से भाग जाना, और जो बता रही इनकी फैमिली कि बिल्कुल भी इनका कहना नहीं मानती थी और बहुत कुछ करती थी, रात के समय जो बताते अपने आप किचन में चले जाना, और जो बताते कि इनके घर को लॉक करना पड़ता था, और हम देख सकते हैं जो कि जो पहले बहुत कुछ ऐसे नेगेटिविटी, नेगेटिव पावर इसके साथ कुछ गलत करती थी, और जिसके कारण इनकी फैमिली भी बहुत परेशान थी, और हम उस वीडियो क्लिप को देखेंगे जो कि इनके घर में जो इनकी मदर कितना परेशान होती थी कि जो जिस सिस्टर तो नहीं चाहती थी पर इसको कुछ भी समझ नहीं आता था, अपने आप ही दुष्ट आत्मा इससे करवाता था, हम उस वीडियो क्लिप को जो इनके घर में सब कुछ करती थी उसको देखेंगे। दूर हुंदिया बलवा लके नाम कुमर सीना में दूर हुंदिया बलवा लके नाम जसूरा गंगा बचा शांत मां नहीं करे तो सारा छोड़ देंगे ना, सारा छोड़ नाम जसूरा नो आई
इनके मदर बहुत ही परेशान थे और जब भी जे संगति में और इन दिनों में पिछले कुछ दिनों में इसका फिर से ऐसा ही व्यवहार हो गया था, इसको कुछ समझ नहीं आता था। तो जब जे संगति में भी लेकर आते थे तो जे संगति में बैठ नहीं सकती थी क्योंकि जे बहुत ज़्यादा शोर करती थी, बहुत ज़्यादा गाली निकालती थी। तो इस जिसके कारण इनको जब जे संगति में आते थे तो इनको एक रूम में बंद कर देते थे और इनकी फैमिली इनके साथ होती थी और हम उस क्लिप को भी देखेंगे जब जे संगति में आते थे। ली सखरा बाबा 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 लिहु सिखरा बाबा बाबा ली बस सखा बाबा ली सखरा बा यस खुदाबंद, इस गंदी दुष्ट आत्माओं को जो खुदाबंद तेरी जीपत हजूरी में, खुदाबंद जो तेरी जीपत हजूरी में मेरे परमेश्वर, ये खुदाबंद जो तेरी जीपत हजूरी में आज खुदाबंद ये दुष्ट आत्मा जिस तरीके से ये बोल रही है, खुदाबंद मैं तेरी फायर को रिलीज करता हूं, मैं रिलीज करता हूं इसके जीवन के ऊपर, रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं। देख और जैसे कि हमने देखा जब संगति में भी आती थी तो जो सिस्टर ऐसे ही शोर करते थे क्योंकि नेगेटिव पावर ने इसके माइंड को इतना कंट्रोल कर लिया था, इसको कुछ भी समझ नहीं थी और जिसके कारण इनकी फैमिली पूरी तरह से बहुत ही परेशान थी। और जैसे फिर से इनको और भी उत्साहित किया गया और लगातार फिर उन्होंने थर्सडे संडे की मीटिंग और फिर से इन्होंने प्रभु के दास के साथ भी कुछ पर्सनल मीटिंग को अटेंड किया और इनको प्रभु की सच्चाई के बारे में और भी बताया गया कि कैसे परमेश्वर की पूर्ण सच्चाई और कैसे परमेश्वर में और भी बढ़ना है। और जैसे इन्होंने इस वर्ड को और भी सीखा, हर एक वचन को सीखा और ग्रहण किया, धन्यवाद किया, तो आज परमेश्वर ने उस नेगेटिव पावर दुष्ट आत्मा के प्रभाव से आज पूरी तरह से इस सिस्टर के जीवन से उस प्रभाव को परमेश्वर ने खत्म कर दिया है। आज परमेश्वर ने उस दुष्ट आत्मा से इसको छुटकारा दे दिया है और सच में आज ये सिस्टर पूरी तरह से अच्छे हैं, अभी अपने घर का काम भी कर रहे हैं, प्रेम से रहते हैं, कोई घर में कलेश नहीं होता, घर से भागते नहीं है और प्लस जब भी जब इस संगति में आते हैं तो जो परमेश्वर की महिमा भी करते हैं और पूरी तरह से अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। और आज परमेश्वर ने पूरी तरह से आज इसको एक अच्छा और ब्लेस्ड जीवन दे दिया है और इस गवाही के लिए जो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हम सब तारीफ करेंगे। सुनो सुनो सुनो, इनको माइक देना इनके मम्मा को, जय मसीह की। ये जो नेगेटिविटी का दुष्टात्मा का प्रभाव इसके ऊपर शुरू हुआ जी, कब और कैसे शुरू हुआ थोड़ा सा बताओ मुझे। ये पापा जी पढ़ाई तो बाद, ये कितने समय पहले की बात है? 4 साल पहले। 4 साल पहले क्या हुआ था? 4 साल पहले मतलब बेर के कंप्यूटर कोर्स कर दी। कंप्यूटर कोर्स करती, ओके। बहुत वधिया करन रही ही। ते बाद च मुड़ के पता नहीं कोई 53 नंबर आंदा कोई टेस्ट देना ही इन्हें। ओ देन गई ते मैं कुछ फोन कीता ना दे कोड़ के आंदी पालक खरीद के ले आना कुछ मूलियां इस तरह करके कुछ क्या बहुत वधिया खरीद ले आई, घर भी आ गई, घर आन के बैठी ते बस बोलन लग पी, बहुत ज्यादा मूलियां इधर नु सुटतियां, पालक उधर नु सुटती, बहुत ज़्यादा शोर शार मचाण लग पी। असी मुश्किल दे नाल मैं ते मेरे बेटी ने बड़ी मुश्किल दे नाल इनू कंट्रोल किया, ते कदी किते लै गए जिथे भी किसी ने 10 पाई हुई उत्थे ही लै गए, बहुत मुश्किलां दे विच ही। पापा जी ये ऐसे शुरू हुआ मतलब अपनी अपने आप मतलब कोई कंप्यूटर का पेपर था कोई 53 नंबर का, उसको देकर ये वापस कुछ ओनो दे आई है, घर आ गई, घर आई, कुछ सामान लेकर आई और ये सामान लेके आई बस फेंकने लगी। हां तो कोई कोई और आपको समझ नहीं आई ये ऐसे क्यों कर रही है? फिर आप कितने साल इस उसको ऐसे लेकर आप घूमते रहे? एक दिन है तो ऐसा नहीं, कितने साल? फिर 4 साल से 4 साल आप घूमते रहे। हां जी। फिर आपको किसने बताया यहां पर आने के लिए? ਇਥੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਵੱਡੀ ਸਭ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਯਹਾਂ ਪਰ ਜਾਓ ਆਪ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੀ ਮੰਨਦੀ। ਫਿਰ 1-2 ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਲਾਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਸਰਬਜੀਤ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣੇ ਲੱਗੀ ਕਿ
मासी एक बार तू लैके जा, तेरी बेटी बहुत चंगी हो जानी। सुनो सुनो सुनो, ठीक है सुनो, क्योंकि अगर हमें कोई ये सुसमाचार ना दे, कोई हमें ना बताए, हाँ जी, अगर हमें कोई ना बताता, हाँ जी, आज हम खुशी की, छुटकारे की, ब्लेसिंग की गवाहियां दे रहे हैं ना, हाँ जी, दे रहे कि नहीं दे रहे? अगर हमें कोई ना बताता तो हमारे जीवन में कैसे होता? हाँ जी। ऐसे संसार में हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं जो समझते ही हैं कि, सुनो, इसकी हमने पहले भी गवाही दी है, आपको पता है ना, हाँ जी, पर नेगेटिविटी का प्रभाव इसके ऊपर फिर आ गया। हमारे जब दोबारा प्रभाव आया तो इसको रूम में, इसकी हमने फैमिली को बोला कि आप इसको अंदर लेकर बैठो, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत शोर करती थी, ऊंचा ऊंचा बोलती थी, फिर दूसरे भी लोग डिस्टर्ब होते थे। तो कुछ समय तक हमने कहा कि आप ठीक है, आप संगति में आओ, आप रूम में बैठ जाओ। ये जब तक संगति चलती थी रूम में से रखते थे, वहां पे भी बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करते थे, समझ आ रही ना? फिर हमने लगातार इन्हें सिखाया, इन्हें समझाया, उत्साहित किया, नहीं, जिस परमेश्वर पर आपने विश्वास किया है, जिसको आपने जाना है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाइबल कहती है कि उनके मुंह कभी काले वो शर्मिंदे नहीं होंगे। तो हमने उत्साहित किया, इन्होंने भी मेहनत की है, हर संडे, वीरवार, जो मंडे को पर्सनल मीटिंग होती उसमें भी आते रहे, सीखते रहे और बढ़ते रहे। धीरे 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 फिर से प्रभु ने अपना अनुग्रह किया और आज ये पूरी तरह, ये बेटी भली चंगी है और आपके सामने, इसको माइक देना अपनी बेटी को। जय मसीह की पापा जी। जय मसीह की। क्या नाम है आपका? जूही। जूही, कितना पढ़े हो आप? पापा जी प्लस टू की है। प्लस टू की है, प्लस टू कर कंप्लीट होगी जी। उसके बाद क्या कर रहे थे आप? कोर्स कर रहे थे? कोई कोर्स कर रही थी, कंप्यूटर का कोर्स कर रहे थे, वेर के है, वेर के है ना पापा जी। तब मेरे पे नेगेटिविटी का प्रभाव पड़ा था, मैंने सिर्फ पेपर देकर घर पे आई तो तब ये 4 साल से ही मेरे साथ ऐसे चल रहा था, तो मैं कोई समझ नहीं ना आई, है ना? यस। हां सुनो, देखो, इसका ये पढ़ रही थी है, शैतान ने, नेगेटिव पावर ने इसके कैरियर को खराब कर दिया। क्या कर दिया? इसके जीवन के कैरियर को शैतान ने खराब कर दिया, समझ नहीं? इसने अपनी प्लस टू का कंप्लीट तो कर ली, अब ये कंप्यूटर का कोर्स कर रही थी, जब ये नेगेटिविटी का प्रभाव इसके साथ शुरू हुआ था, दुष्ट आत्मा ने इसे जकड़ लिया अचानक से, समझ आ रही है ना? इसलिए परमेश्वर ने हमें क्यों कहा है, चौकस रहो। शैतान में सी के समान फाड़ने के लिए तैयार है। ये नहीं है जो संसार में, ये तो पहले ये भी संसार में, ये तो प्रभु को नहीं जानते थे, समझ आ रही ना? ये नहीं है कि जो संसार में उनकी बात है, जो प्रभु में, उनको भी परमेश्वर कहता है चौकस रहो। शैतान सी के समान फाड़ने के लिए तैयार है। यीशु मसीह ने जब 38 साल के रोगी को चंगा किया तो उसने कहा, देख तू चंगा हो गया है, अब कोई पाप ना करना, कहीं इससे भारी विपत्ति तुझ पर फिर ना आ जाए। क्या ना आ जाए? फिर ना आ जाए। तो चौकस रहना, स्थिर रहना, बने रहना, समझ आ रही है? कितनों को आ रही है? सुनो, क्योंकि जब हमारा जीवन परमेश्वर के साथ जुड़ा रहता है, हम आत्मा से भरे रहते हैं, तो फिर सर गरम रहते हैं। क्या रहते हैं? सर गरम, गरम रहते हैं। जब ढीले पड़ जाते हैं तो किसको मौका मिलता है? तो बीच में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ था इनके साथ, जो नेगेटिविटी ने फिर से इसके ऊपर अपना प्रभाव पूरी तरह डाल दिया। क्योंकि उस समय के हमारे पास सीन रिकॉर्ड नहीं है, जब दुष्टात्मा ने फिर से इसकी हालत कितनी खराब कर दी, हमारे पास वो सीन रिकॉर्ड नहीं है, थे मतलब, पर हमने रिकॉर्ड किए थे पर कहीं आगे पीछे हो गए, नहीं तो आपको वो दिखाते वो भी सीन। पर ये सामने है तो ये गवाह है, ये आपके सामने खड़े हैं, पर परमेश्वर महान है, बोलो क्या है? उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है जो नहीं कर सकता, बस तुम्हें स्थिर होने की जरूरत है।
उसके साथ बनने की जरूरत है। जो बने रहे, स्थिर रहे, अपने मन को आगे पीछे नहीं किया, और आज ये बेटी भली चंगी आपके सामने है। हाँ, समझ आ रही है? और परमेश्वर ने इसे अच्छा कर दिया है। सुनो, अब क्या हुआ है कि एक चीज आप मुझे बता रहे थे, जूही आपका नाम है, जूही, आप बोल रहे थे कि मेरे कुछ पेपर वगैरह कहीं गुम हो गए। यस पापा, ये सर्टिफिकेट थे मेरे प्लस टू के, तो टेंथ के, तो वो गुम हो गए हैं। इसके ना कुछ टेंथ के प्लस टू के, प्लस टू के, प्लस टू का भी, टेंथ का भी, टेंथ का भी और प्लस टू का भी इसका सर्टिफिकेट गुम हो गया इसी नेगेटिविटी के पावर के कारण। इसलिए अब ये चाहत में कि कहीं से, क्योंकि आगे जो भी ये कोर्स करेगी तो अपनी उस सर्टिफिकेट के कारण ही करेगी ना, अब है नहीं है तो कैसे करेगी। देखो, इसका कैरियर शैतान ने खराब कर दिया, पर जिसने उसे चुना है ना, वो फिर से खड़ा करेगा। मैंने कहा जिसने उसे चुना वो फिर से खड़ा करेगा। सब खुदावंद कुछ भी करने की ताकत रखता है, कैसा भी काम क्यों नहीं है। चाहत में रहना, विश्वास में रहना, परमेश्वर तुझे खड़ा करेगा और ऊंचा भी करेगा। चाहत में रहना और धन्यवाद देते रहना। ओके, इस बड़े काम के लिए, इस गवाही के लिए हम जोर से हाथों को उठाकर तारीफ करें। साडे पैर थल्ले रखी है शैतान यसू ने, 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 सानू दुखिया ने, सानू दुखिया ने ताकता महान यसू ने, सानू दुखिया ने ताकता महान यसू ने, साडे पैर थल्ले रखी है शैतान, आपके गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।